ने अक्टूबर 2022 हज़ार के रिज़ल्ट में अपना रीचेकिंग या रिवेलुएसन के लिए अप्लाई किया था और अगर आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है यानी कि कोई चेंजेस आया ही नहीं है आपके रिजल्ट में तो अब आप लोग क्या कर सकते हो इस वीडियो में जान लेते हैं देखो आप सबको पता है कि रिवेलुएसन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था उनका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है तो रिज़ल्ट में अगर देखो कोई चेंजेस नहीं आया जैसे मार्क्स है वैसे ही आपको दिख रहे हैं पुराने वाले तो करना क्या है आपको देखो एक ई मेल आपको देखे जा रहा हूँ अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है इस ई मेल पर आप लोग डालो कैसे डालोगे तो ये ई मेल आप देख लेना इसे आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना और फिर अपना ई मेल खोल लेना टू में वो ई मेल डाल दोगे जो मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा था सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे नो चेंज इन रिजल्ट अक्टूबर रिवेल्यूएसन या रीचेकिंग जो भी आपने अप्लाई किया ये डाल देना तो हमें यहाँ पर आपको डाल के बता देते हैं तो ये आप लोग देख लेना री चेकिंग रिजल्ट नो चेंज हमने इतना लिख दिया है अब कंपोज मेल में आपको पूरी प्रॉब्लम डालनी है कि आपने क्या किया है जैसे कि आपने रिवेलुशन के लिए अप्लाई किया था कि रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपको बताना है ठीक है कब किया था अगर ये पता है तो बता देना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है और इतना बताने के बाद आपको ये बताना है कि हमने री चेकिंग के लिए अप्लाई किया था और हमने एग्ज़ाम वगैरह भी अच्छे से दिए थे लेकिन रीचेकिंग के बाद भी हमारे रिजल्ट में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आया है ना मार्क्स घटे हैं ना मार्क्स बढ़े हैं नो चेंज मतलब कि कोई चेंजेस ही नहीं आया है ठीक है तो वो मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ बाकी आप लोग इसे हिंदी में भी लिख सकते हो तो देखो हमने इन शॉर्ट में बता दिया है रेस्पेक्टेड सर आई अप्लाइड फॉर री चेकिंग अक्टूबर दो हज़ार बाईस रिजल्ट बट माई रिजल्ट नॉट अपडेटेड येट यानी कि अभी तक रिजल्ट हमारा अपडेट हुआ ही नहीं है प्लीज़ हेल्प ये हमने लिख दिया है तो आपको क्या करना है जो आपने रिव्यू चेकिंग के लिए अप्लाई किया होगा ना वो आपके पास फीस शिफ्ट होगा ठीक है फीसी शिफ्ट नहीं है तो आप लोग अपने डैशबोर्ड में से उसे निकाल लेना उसकी स्क्रीन आपको यहाँ पर अटैच करनी है ठीक है अटैच कैसे करोगे ये आप देखोगे ना जलेबी जैसा बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे और अटैच फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ भी आपने वो स्क्रीनशॉट उसका लिया है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको अटैच करना है ठीक है इसक्रीन को आपको अटैच करना है अटैच कर दोगे और अटैच करने के बाद देखोगे जैसे कि हम यहाँ पे आपको ऐसे ही अटैच करके दिखा रहे हैं ये हमने अटैच कर दिया अटैच करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली आपको सेंट पर क्लिक कर देना है ठीक है सेंट पर आप क्लिक करोगे कर ना तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आप इनका आपको रिप्लाई आएगा कि हमने आपके रिक्वेस्ट को ले लिया है अब हम आपके रिक्वेस्ट को डिपार्टमेंट के पास भेज रहे हैं सेंड कर दिया है ठीक है तो इस तरीके से कुछ हद तक आप लोग को सोलूसन मिल सकता है देखो रिवेलुएसन रीचेकिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि कब अप्लाई करते हैं कब अप्लाई करना चाहिए कब अप्लाई नहीं करना चाहिए ठीक है ठीके? लेकिन फिर भी आप लोग के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपने पैसे भरे हैं रीचेकिंग के लिए पेपर अच्छा गया था कोई चेंजेस नहीं है रिजल्ट में तो आप लोग एक बार मेल कर लो मेल से उम्मीद है कि आप लोग को सोल्यूसन मिल जाएगा ठीक है और मिलते हैं अगले वीडियो में